अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट, जो कि आपकी मैट्रिक क्लास की बुक में चैप्टर नंबर 1 में दिए हुए हैं। मुस्लिम साइंटिस्ट में हमारे पास मैट्रिक की बुक में इन 5 साइंटिस्ट का नाम लिखा हुआ है, जिनमें हमारे पास इब्न अल हैशम, अल बैरूनी, याकूब अल किंदी, डॉक्टर अब्दुलसलाम एंड डॉक्टर अब्दुल कदीर खान। अगर हम बात करें इब्न अल हैशम की, तो इब्न अल हैशम वॉज बॉर्न 965। हमें पता है कि मुस्लिम एरा जो आया वो 600 से लेकर 1600 तक था, तो 965 के अंदर इनके बर्थ और डेट ऑफ डेथ इनकी 1037। ठीक है, इसी तरीके से इब्न अल हैशम इनका जो, ये मैं पॉइंट्स की शक्ल में लिख रहा हूँ ताकि आपको इजीली याद हो जाए। हमारे पास इब्न अल हैशम का जो काम था वो क्या था, लाइट के ऊपर काम था, ऑप्टिक्स के ऊपर इनका काम था। ऑप्टिक्स हम कैसे कहते हैं, लेंसेज। ठीक है, हम यहाँ पर लिख भी देते हैं कि लेंसेज के ऊपर काम था, और कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, ये सारी हमें इब्न अल हैशम ने बताई। उसके अलावा इन्होंने क्या किया, पिन होल कैमरा इन्वेंट किया, पिन होल कैमरा इन्वेंट किया, जो कि सबसे पहले इन्होंने कैमरा बनाया। और इनकी एक मशहूर बुक, एक फेमस इनकी किताब थी, जिस किताब का नाम था किताबुल मनाजिर, जो कि इन्होंने ऑप्टिक्स के ऊपर और लेंसेज, लाइट वगैरह या कुदरती मनाजिर, इसको डिस्कस किया था। अब यहाँ पर आपके पास ये बसरा के शहर, इराक़ के शहर बसरा के रहने वाले थे, इनका ये काम था। 965 में पैदा हुए, 1037 में डेथ हुई। लाइट के ऊपर काम था, ऑप्टिक्स, लेंसेज, कनकेव लेंस, कन्वेक्स लेंस, दूर की नज़र, करीब की नज़र, ये सारी चीज़ें इन्होंने बताई हमें। पिन होल कैमरा इन्वेंट किया और किताबुल मनाजिर लिखी। अब अगर हम बात करें, इनका पूरा नाम अबू अली हसन इब्न अल हैशम था। अब अगर हम अल बैरूनी की बात करें, तो ये बहुत फेमस मुस्लिम साइंटिस्ट थे। ये हमारे पास क्या थे, 973 में बैरन, अफ़गानिस्तान का एक छोटा सा कस्बा है, आपकी बुक में भी एज इट इज़ बात लिखी हुई है। दे 965 के अंदर बैरन में पैदा हुए और 1048 के अंदर इनकी डेथ हुई। ये किस चीज़ पे माहिर थे, किस चीज़ पे इनका काम था, देखें इनका काम था, इन्होंने ये जिस सब्जेक्ट के पर, जिसे हम कहते हैं कि बहुत अबूर रखते थे, वो हमारे पास थे फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, जियोग्राफी, बायोलॉजी, ठीक है, सिविलाइजेशन एंड कल्चर एंड सो ऑन, यानी कि बहुत सारे सब्जेक्ट्स के ऊपर इन्हें महारत थी, क्योंकि ये एक बहुत बड़े टूरिस्ट थे और बहुत बड़े मुस्लिम साइंटिस्ट थे। और इनका जो काम था वो सबसे, इन्होंने एक अलग दुनिया को हैरान कर देने वाला एक काम किया, इनकी इन्वेंशंस थी या उसके बारे में थ्योरीज दी, वो मास ऑफ अर्थ, सर्कमफेरेंस ऑफ अर्थ, ज़मीन का घूमना, ज़मीन का रेडियस, ज़मीन की स्पीड, ज़मीन का वज़न, ये सारी की सारी चीज़ें अल बैरूनी ने बताई। अल बैरूनी क्योंकि अफ़गानिस्तान के रहने वाले साइंटिस्ट थे, तो इन्होंने पाकिस्तान का एक छोटा सा शहर है पिंड दादन खान, इन्होंने पिंड दादन खान के अंदर ये दावा किया कि अगर मुझे ज़मीन का सेंटर मिल जाए तो मैं पूरी दुनिया को अपने इशारों पर हिला दूँ, इतना बड़ा इन्होंने दावा किया। और याकूब अल किंदी जो थे हमारे पास, इन्होंने क्या किया, मोर देन 150 बुक्स, 150 से ज़्यादा किताबें इन्होंने लिखी। बहुत बड़े क्योंकि टूरिस्ट थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, ठीक है। और इनकी फेमस जो बुक थी वो थी हमारे पास कानून अल मसूदी, कानून अल मसूदी के नाम से बुक, और दूसरी अल वहूश, अल वहूश के नाम से इनकी बुक थी। ये इनका कुछ फिज़िक्स की फील्ड में काम था। अगर हम बात करें याकूब अल किंदी की, तो याकूब अल किंदी 800 AD में पैदा हुए, ये भी बसरा के थे, इराक़ के, जहाँ इब्न अल हैशम के थे इब्न अल हैशम, और 873 में इनकी डेथ हुई, ठीक है। याकूब अल किंदी, इनका जो काम था वो किस पर था, म्यूज़िक के ऊपर, म्यूज़िक की जो पहले इसके ऊपर डिस्कवरी की जो बात की वो इब्न अल हैशम, याकूब अल किंदी ने की। म्यूज़िक के बारे में, पिच के बारे में बताया हमें, फ्रीक्वेंसी के बारे में बताया, ठीक है।
आवाज़ का पतला होना, आवाज़ का मोटा होना, आवाज़ का बारीक होना, शार्प होना, श्रिल होना, ये सारी चीज़ें हमें याकूब अल-किंदी ने बताई। साउंड की रेंज क्या होती है, म्यूज़िकल साउंड किसे कहते हैं, नॉइज़ किसे कहते हैं, ठीक है, प्लेजेंट और अनप्लेजेंट साउंड में क्या डिफरेंस होता है, इसके बारे में जो भी थ्योरीज थी वो सारे के सारा जो काम किया वो याकूब अल-किंदी ने किया। अब अगर हम आगे आएँ तो डॉक्टर अब्दुल सलाम जो कि 1926 में पाकिस्तान का शहर झंग में पैदा हुए, ये एक मुस्लिम साइंटिस्ट, इन्होंने पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक थ्योरी, जैसे कि मैं कहता हूँ कि यूनिफिकेशन एक फिज़िक्स का रूल है, प्रिंसिपल है फिज़िक्स का, कि बहुत सारी चीज़ों को एक साथ जमा करके यूनिफाई करके लिख देना, तो इसी तरीके से बहुत सारे लॉज को जमा करके डॉक्टर अब्दुल सलाम ने 3 या 4 लॉज को जमा करके एक नई थ्योरी दी जिसको ग्रैंड यूनिफिकेशन, यानी कि यूनिफिकेशन कर दिया, यूनिफाई कर दिया बहुत सारी थ्योरीज को, जिसे हम ग्रैंड यूनिफिकेशन GUT के नाम से जानते हैं। ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी हमें डॉक्टर अब्दुल सलाम ने दी, और इसके बाद इसी थ्योरी के बेस पर 1979 में डॉक्टर अब्दुल सलाम को फिज़िक्स में GUT की, यानी कि ग्रैंड यूनिफिकेशन थ्योरी की बेस पर नोबेल प्राइज़ मिला, और वो नोबेल प्राइज़ पाकिस्तान का पहला नोबेल प्राइज़ था। उसके बाद दूसरा नोबेल प्राइज़ 2015 में मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला। हमें पता है कि दुनिया में सबसे बड़ा जो प्राइज़ माना जाता है वो नोबेल प्राइज़ माना जाता है, चाहे किसी भी फील्ड में हो। तो नोबेल प्राइज़ एक फिज़िक्स में की फील्ड में मिला, और दूसरा हमें 2015 में वुमेन एजुकेशन पर मलाला यूसुफ़ज़ई को मिला। तो पाकिस्तान के पास आज तक 2 नोबेल प्राइज़ हैं। इसी तरीके से डॉक्टर अब्दुल कदीर खान जो कि अल्हम्दुलिल्लाह अभी अलाइव हैं, तो 1936 में ये पैदा हुए एट भोपाल जो कि इंडिया का शहर है, और 19 इनका काम हम सब जानते हैं, ये हमारे नेशनल हीरो कहलाते हैं, नेशनल हीरो हैं। इन्होंने इनको निशान इम्तियाज़, ठीक है, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिविल अवार्ड है, हिलाल इम्तियाज़, इनको हिलाल इम्तियाज़ से नवाजा गया। और क्या, क्यों इनको हिलाल इम्तियाज़ दिया, क्यों ये हमारे नेशनल हीरो कहलाते हैं, क्योंकि भाई 28 मई को हम एक दिन मनाते हैं। कौन सा दिन मनाते हैं? 28 मई को हम मनाते हैं योम तकबीर। योम तकबीर का मतलब 28 मई 1998 एट चागी बलूचिस्तान का एक इलाका है, उस इलाके के अंदर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने न्यूक्लियर ब्लास्ट कर दुनिया को बताया था कि वी आर एटॉमिक पावर, हम एटॉमिक पावर हैं, और पाकिस्तान को एटॉमिक पावर बनाने वाले डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, जो कि हम 28 मई को योम तकबीर मनाते हैं। तो इस वजह से इन्होंने हमें क्या किया, दुनिया के अंदर 7वां न्यूक्लियर पावर, और पाकिस्तान और इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर सबसे पहला न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान को बनाया। पाकिस्तान के अलावा इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर न्यूक्लियर पावर अभी तक कोई भी कंट्री नहीं है। तो यहाँ पर ये आपके पास कुछ 5 साइंटिस्ट थे जो आपके मैट्रिक की बुक में दिए हुए हैं, इनको आप अच्छे से मेमोराइज़ कर लीजिएगा पॉइंट की शक्ल में। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सिग्निफिकेंट फिगर। तो सिग्निफिकेंट फिगर क्या होता है, बेसिकली इसके 5 रूल्स हैं जो आपकी मैट्रिक की बुक में दिए हुए हैं, जिसे हम कहते हैं ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जो भी नॉन ज़ीरो डिजिट्स होते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, सिग्निफिकेंट कहलाते हैं। जैसे कि 2, 4, 5, 3, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देर आर 4 सिग्निफिकेंट फिगर, इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ठीक है। इस तरीके से हम कहें कि 0 बिटवीन नॉन ज़ीरो, अगर 0 जो है वो बिटवीन नॉन ज़ीरो आ जाए, 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में 0 आ जाए, तो वो भी क्या कहलाएगा, सिग्निफिकेंट फिगर ही कहलाएगा। इन शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। तो वो हमारे पास, जैसे कि मैं कहूँ 204, तो इसमें हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गई, 3, यानी कि अगर 0 2 नॉन ज़ीरो के दरमियान में आ जाए तो ये भी आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर कहलाएगा। एक तो सारे नॉन ज़ीरो और दूसरा ये। अब आपके पास एक रूल इसका उल्टा है, जिसको हम कहें कि
ज़ीरो आफ्टर नॉन ज़ीरो, ज़ीरो आफ्टर नॉन ज़ीरो या इन द एंड इज नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, अगर ज़ीरो नॉन ज़ीरो के बाद में आ जाए, नॉर्मली क्या होता है हमारे पास लिखा होता है 500, तो इसको हम 500, जितना वैल्यू के बाद ज़ीरो लगते रहेंगे वैल्यू बढ़ती रहेगी। बट सिग्निफिकेंट फिगर के अंदर इसका उल्टा प्रोसेस होता है, अगर नॉन ज़ीरो के बाद जितने भी हम चाहे कितने भी ज़ीरो लगा दें उनकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इधर हमारे पास कितनी सिग्निफिकेंट फिगर है, देयर इज़ वन सिग्निफिकेंट, ओनली वन। तो इसके नॉन ज़ीरो के बाद जितने सिग्निफिकेंट आ जाए आपके पास, जितने भी ज़ीरो आ जाए वो सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं होते। दूसरा हम कह दें कि ज़ीरो आफ्टर डेसिमल, आफ्टर डेसिमल के बाद जो ज़ीरो डेसिमल के अंदर जो ज़ीरो आ जाए वो भी सिग्निफिकेंट नहीं होते। कब नहीं होते, इफ़ वैल्यू इज लेस देन वन, अगर वैल्यू वन से छोटी हो। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे लिख दूँ 0.004, तो ये वैल्यू क्या है, वन से छोटी है, तो यहाँ पे सिग्निफिकेंट फिगर्स कितनी है, एक है। ठीक है, ये इसका हमारे पास चौथा रूल है कि अगर ज़ीरो पॉइंट्स की शक्ल में आ जाए तब भी क्या होगा, वैसे तो हम इसको 0.04 पढ़ते हैं मगर सिग्निफिकेंट फिगर में हम सिर्फ इसको काउंट करेंगे। मैं कहूँगा कि इसमें कितनी सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, इसमें एक ही सिग्निफिकेंट फिगर है। देखिए यहाँ पर वैल्यू है, उसको ख़त्म कर दिया, इसकी भी वैल्यू, इसको भी ख़त्म कर दिया, उल्टा रूल होता है इसका। तो 0.001 अगर वैल्यू वन से छोटी है। अगर यहाँ पे ये पाँचवा रूल, अब मैं पाँचवें रूल पर आ रहा हूँ, तो यहाँ पर ये पांचवा रूल आप लिख लीजिएगा कि अब यही सेम रूल है, ज़ीरो आफ्टर डेसिमल इज़ सिग्निफिकेंट, वहाँ पे नॉट नहीं आएगा। अगर ज़ीरो डेसिमल के बाद सिग्निफिकेंट होता है और वैल्यू कब कब होता है, जब वैल्यू ग्रेटर देन वन हो। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लिखा होता 1.004, अब ये वैल्यू क्या है, वन से बड़ी है, तो अब सारे के सारे ज़ीरो काउंट होंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सारे ज़ीरो काउंट होंगे। अगर यहाँ पे 0.004 लिखा, तो क्योंकि ये वैल्यू वन से छोटी है तो अब ये ज़ीरोस काउंट नहीं होंगे, सिर्फ फोर काउंट होगा। अगर यहाँ पे वन होता है, टू होता है, या वन से बड़ी वैल्यू कोई भी होती है, तो फिर क्या होगा, उसके बाद जितने भी ज़ीरोस आ रहे हैं वो सारे ज़ीरो हमारे पास काउंट होंगे। ये हमारे पास था टॉपिक मुस्लिम साइंटिस्ट और सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप इनकी थोड़ी सी प्रैक्टिस करिएगा और मुस्लिम साइंटिस्ट को आप थोड़ा पढ़िएगा, पॉइंट्स की शक्ल में मैंने लिखा है। आई होप के आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही, बाकी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।